देखिए, झारखंड एक अलग राज्य है, सीधे सीधे समझिए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा था उस पर बता दे, कोई हमको सामने सामने आकर के डिस्कस कर रहे हैं। जो झारखंड की, हम लोग झारखंड लड़ के लिए, कोई मेहरबानी तो किया नहीं हम पर। तो झारखंड की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषाएं हैं। अगर हम उसको आधार बनाते हैं नियोजन नीति का, तो कहाँ से गलत करते हैं ये बता दीजिए, कहाँ से गलत करते हैं? और हो सकता है आप में से मैथिली बोलने वाले कुछ हो, तो बुरा नहीं मानिएगा कि मैथिली भाषा कहाँ की भाषा है? संथाल पढ़ना की भाषा है, जमतारा की है कि मिथिला की है? तो उसको आधार बना के सरकार को घेरना हम नहीं सकते। अब मान लीजिए, अभी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भोजपुरी भाषा पर दिए गए वक्तव्य पर विवाद थमा भी नहीं है, तो दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्री रामेश्वर उरांव ने मैथिली भाषा पर बड़ा बयान दे डाला। मंत्री ने न सिर्फ मुख्यमंत्री का बचाव किया बल्कि बिहार सरकार पर भी कटाक्ष कर अपनी भड़ास निकाल के क्या कह रहे हैं जरा और से पूछना चाहते हैं कि संथाली है पूर्णिया जिला में, पूरा सहरसा वगैरह में संथाली है, तो संथाली की भाषा को दिया दर्जा कुछ उरांव लोग हैं वहाँ पर, बेतिया में, बगहा में भरे पड़े हैं उरांव, तो उरांव भाषा को दिए हैं मान्यता? वो खुद नहीं दिए हैं, भाई भाई कह रहे हैं, तो वो हम अगर भाई हैं तो वो भी तो हमारे भाई हैं। वो करके दिखा में खुद संथाली भाषा को मान्यता दें, उरांव भाषा को मान्यता दें, और उसके बाद तब बात करें हमसे। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री रामेश्वर उरांव जामताड़ा परिषदन पहुंचे थे, जहां कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और AICC के सदस्य हरिमोहन मिश्रा व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बिहार की भाषा आधारित बयान पर हो रही राजनीति को लेकर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड एक अलग राज्य है, विपक्षी जिस प्रकार भाषा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, कोई बताए कि मुख्यमंत्री ने भाषा को लेकर क्या बयान दिया है? झारखंड हम लोगों ने लड़कर लिया है, किसी ने हम लोगों पर मेहरबानी नहीं की है। झारखंड की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा है। हम इन भाषाओं को नियोजन नीति में लाते हैं तो गलत क्या है? मैथिली बोलने वाली भाषा कहाँ की है? यह तो झारखंड की भाषा नहीं है, यह तो बिहार की भाषा है। इसके आधार पर बनाकर सरकार को घेरना समझ से परे है। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।